बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। बकरा ईद आ रही है, तो इसके हवाले से आपको मुख्तलिफ खानों के अंदर और जो आप कबाब वगैरह या रोल वगैरह जो भी आप चीज़ें बनाएंगे, तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी इसको लॉन्ग टाइम रखने के लिए। आप इसको काफ़ी अरसे के लिए बना के बहुत सारी चटनी आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन चटनी बनाने के लिए पुदीना चाहिए, एक अंडी धनिया को मैंने धो के और काट लिया है, चटनी हमें थोड़ी सी चाहिए, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, दो अदद इसके अंदर हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए। मैं ग्राइंडर के अंदर धनिया को डाल इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर पुदीना डालेंगे, पुदीना मैंने डाल दिया, और ये इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा नमक डालें और इसको ब्लेंड कर लें, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। ये माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी धनिया और पुदीने की चटनी तैयार है। आप लंबे अरसे के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। बकरा ईद आ रही है, तो इसे आप खानों में यूज़ कर सकते हैं, या कबाब या रोल जो भी आप बनाएं तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी जो है वो मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर जब टाटरी डालेंगे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी, ये ख़राब नहीं होगी, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है, आप इसको खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कबाब या रोल वगैरह के साथ जो भी आप बनाएं, तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसा लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।